ये कितना जोश है कराची के पब्लिक का, कितना जोश है? जी बहुत जोश है और हमें बहुत खुशी हुई है कि इंग्लैंड की टीम आई है इतने टाइम बाद। मतलब कोई टीम नहीं आती थी पाकिस्तान, लेकिन अब मतलब लोगों का आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि लोग जोश और खरोश में है और बहुत मतलब मज़ा आएगा, मतलब इंजॉय करेंगे ये गेम। अच्छा भाई, पहले रोडें बंद कर दी जाती थी, अब रोड भी खुल गए हैं, तो कितना सिक्योरिटी का मसला इतना ज़्यादा तो नहीं है? नहीं है जी, माशाल्लाह इतना नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी, अब नहीं है। तो ये खुशाइन बात है कि रोड खुले हुए हैं, ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है। जी बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में टीम आए और हम क्रिकेट मैच आए, हम इतने सालों बाद हम ये स्टेडियम देख, क्योंकि कोई मैचेस होती ही नहीं थी। मामा क्रिकेट पाकिस्तानी जैसे जानता हूँ, मेरा ताल्लुक सेंट पाकिस्तान से, मामा क्रिकेट पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान दिल की गहराई से इंग्लैंड को वेलकम करता है। 17 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर आया, वेलकम करते हैं मामा पाकिस्तानी। मैं सपोर्ट करूँगा पाकिस्तान, सपोर्ट करूँगा, मैं सपोर्ट करूँगा क्रिकेट करूँगा, जो भी जीते जीत पाकिस्तान को की, और जितना तारीफ करो इंग्लैंड को, दुनिया की नंबर वन टीम इंग्लैंड जो आई पाकिस्तान के अंदर, उसने मामे का दिल जीत लिया। इंग्लैंड शुक्रिया, इंग्लैंड शुक्रिया, 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 लव यू, लव यू। मैं शादाब को अच्छा करेंगे, अच्छा। अच्छा, 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई है, तो कितना जोश है पाकिस्तानी आवाम में और क्या मैसेज जाएगा दूसरे मुल्कों की टीमों को? पाकिस्तान आवाम को बहुत जोश है, हम लोग बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह हम लोग को सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि माशाल्लाह अपने शहर में, अपने पाकिस्तान में हम लोग खुद मैच रख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, फ़ख्र की बात है। और इंशाल्लाह सब लोग जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सब लोग जोश से आ रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बादों का? पहले जो मैच होते थे तो बड़ी सिक्योरिटी का मसला होता था, लोग आराम से नहीं आ सकते थे यहाँ तक, अब का माहौल कैसा है? इश्यूज़ तो होते हैं, अभी भी होते हैं बाजू का, गाड़ियों वगैरह का रश की वजह से भी काफ़ी हो जाता है, बट होता है, ये तो हर जगह होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह मैनेज किया है, पहले से ज़्यादा बेहतर है, हम लोग तरीके से आ पाए, आराम से आ पाए। बाकी लोग भी अगर आप देखेंगे पीछे, उनको इतनी परेशानी नहीं हो रही है, ऑब्वियसली ट्रैफिक वगैरह तो चलता है, मगर लास्ट टाइम से बेहतर मैनेज है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, लास्ट टाइम ये होता था कि सड़कें ब्लॉक कर दी जाती थी और इस दफ़ा सड़कें भी खुली हुई हैं, तो कितना आरामदेह महसूस कर रहे हैं कि बंदा यहाँ तक आता है? काफ़ी रिलैक्सड है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस दफ़ा उन्होंने सिक्योरिटी को भी इस तरह मैनेज करा है कि बाकी जो ट्रैफिक में लोग हैं, खवातीन और आजाद हैं, जो भी हैं, उनको परेशानी नहीं हो रही, दिक्कत नहीं हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी उन्होंने मैनेज तरीके से इन लोगों ने करा हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी प्राउड टू सी दिस इज़ हैपनिंग। ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम को, मगर मैं पूरी सीरीज को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, 17 ईयर्स के बाद जो वो पाकिस्तान आई है, तो वेलकम टू पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल, और अल्लाह करे इस तरह और भी टीमें जो है वो पाकिस्तान को विजिट करें और इंशाल्लाह हम लोग इमेज चेंज करें पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप समझते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम पहले से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि यहाँ तक ट्रैफिक बंद हो जाती थी, लोग परेशान? मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत इंप्रूव करा है, मेरा खुद का करीब में ऑफिस होता था, हम लोग को बड़ी दुश्वारी होती थी यहाँ से गुजरने में, तो इस दफ़ा इन्होंने इस तरह से मैनेज करा है कि ना लोगों को दुश्वारी हो रही है और ना जो है वो ट्रैफिक जैम हो रहा है। स्लो ट्रैफिक हो गया, मगर स्टिल कोई ये नहीं बोल सकता कि हम लोग को यहाँ से जाने नहीं दिया, या जो घर वाले उन लोग के घर तक ही नहीं पहुँच सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक। अच्छा, अभी ट्रैफिक तो इसलिए भी है कि लोग आ रहे हैं, मैच शुरू होने वाला है, जब मैच शुरू हो जाएगा, पब्लिक ख़त्म हो जाएगी, तो ट्रैफिक तो वैसे ही खुल जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा, बट स्टिल एट द टाइम ऑफ द गेम जो है वो कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो उस टाइम पे सबसे ज़रूरी होता है कि आप ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज करें, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैनेज करें ट्रैफिक और लाए हो। अच्छा, शहरियों को क्या करेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा पैदा करें, अंदर पाकिस्तान में मैच हो रहा है, करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने टाइम बाद आपके मुल्क के अंदर क्रिकेट आई है और हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली यही एक वाहिद स्पोर्ट है जिसके थ्रू हम लोगों को खुशी मिलती है, तो हम लोग को थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा अपना बुलंद करना चाहिए, मैं बोलूँगा, और थोड़ा सपोर्ट करें, इंशाल्लाह वंस थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल होपफुली फॉर यस। किस खिलाड़ी को सपोर्ट, किसको देखने के लिए आए हैं शौक से? बाबर आजम जो है मेरा फेवरेट प्लेयर है एट द मोमेंट, और हारिस रऊफ की बॉलिंग देखने के लिए आए। अच्छा, पाकिस्तान का मैच देखने आए, कौन सा खिलाड़ी आपको ज़्यादा पसंद है बेटा? बाबर।
अच्छा किसकी बैटिंग देखेंगे, मजे किसकी बैटिंग देख के ज़्यादा आता है, बाबर या रिजवान? अच्छा तो क्या आप कैसे चेयरअप करेंगी पाकिस्तानी टीम को, हल्ला गुल्ला करेंगी, शोर मचाएंगी, क्या करेंगी? शोर मचाऊंगी। अच्छा बोलो ना, आप तो ऐसे आई हो जैसे मैच आप बेदिली से अब्बा अम्मा लेके आ गए, आप क्या करेंगे बोलो, जोश दिखाएंगे, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करेंगे? और रिजवान की बहुत शोर मचाऊंगी। अच्छा कितना शोर मचाएंगी? बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे। अच्छा अरे बता दे थोड़ा सा। अच्छा सिक्योरिटी के पहले रोड बंद कर दी जाती थी, अब रोड भी खुली हुई है तो कोई आने में परेशानी तो नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं, इजीली बंदा आ रहा है जी। तो क्या मैसेज देंगे दूसरे लोगों को कि मैच देखने के लिए आए? सब लोग आए एंजॉय करें, सब लोग आए मैच देखने के लिए एंजॉय करें। थैंक यू भाई, सपोर्ट करेंगे अपने पाकिस्तान को, नहीं करेंगे आगे। अरे आप क्या कहेंगे बेटा? एफर्ट है ऑर्गेनाइजर्स की, एंड आई थिंक इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे तो लोगों के लिए रियली बहुत अच्छा होगा, पहले से बहुत बेहतर होगी। सपोर्ट करेंगे अपने पाकिस्तान को, नहीं करेंगे आगे। अरे आप क्या कहेंगे बेटा?